नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का महीना, पावन महीना चल रहा है, भोलेनाथ की आराधना का महीना चल रहा है, लेकिन ऐसे में सोमवार का खास महत्व होता है। चार सोमवार हैं इस बार और चार मंगलवार। पहला सोमवार व्रत आपने देखी, मेरी वीडियो देखी, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे सोमवार की, जो कि बेहद चमत्कारी सोमवार है। सोमवार की अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र की बात करेंगे और तिथि की बात हम जरूर करेंगे। नवमी तिथि और नक्षत्र की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, गोचर करेंगे उस समय, और जहां पहले से ही राहु महाराज बैठे हुए हैं। और ऐसे में कहा जाए, वैसे तो ये ग्रहण योग बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा राहु की पसंदीदा राशि है, तो यानी चंद्रमा की राशि वालों को तो परेशान राहु नहीं करते हैं। श्रावण नक्षत्र की श्रावण महीने की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र की जब हम बात करते हैं, साथ के साथ नवमी तिथि की बात करते हैं तो नवमी तिथि का खास महत्व होता है। नवमी तिथि का संबंध भगवान राम से है, यानी भगवान राम का जन्म हुआ था नवमी तिथि में, तो ऐसे में भगवान राम की आराधना भी करनी चाहिए, भोलेनाथ की आराधना भी करनी चाहिए, और साथ के साथ माँ सिद्धिदात्री के लिए भी नवमी तिथि जो है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो यानी एक नहीं, तीन तीन भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है जब आप 2 तारीख का दूसरा सोमवार, यानी 2 अगस्त दूसरा सोमवार, सावन का पावन महीना, और तीन तीन भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हम ये भी बताएंगे कि उद्यापन करना है, जिन्होंने मोख करना होता है सावन के महीने में, कैसे कर सकते हैं, कौन सी तारीख को उनको मोख करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी 16 सोमवार के व्रत रखे होते हैं उन्हें खास करके कौन सी तिथि का, कौन से तरीके का चुनाव करना चाहिए जिससे उनके व्रत जो है वो सफल रहे। बहुत सारे लोग इस समय उद्यापन करना चाहते हैं, खास करके सावन के पावन महीने में, और ये महीने में उद्यापन करना बहुत अच्छा माना जाता है। हम बताएंगे कि कौन से समय पे आपको ये उद्यापन जो है वो आपको करना ही है। अब हम बात करते हैं कि कृतिका नक्षत्र की, जो कि सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार है, कृतिका नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र होता है, यानी थर्ड नंबर का नक्षत्र है, और इनका संबंध जो है वो सूर्य के साथ है, यानी स्वामी जो है इनके वो सूर्य है, और ऐसे में सूर्य की एनर्जी, बुध की एनर्जी, भगवान भोलेनाथ की एनर्जी, माँ सिद्धिदात्री की एनर्जी, और तो और भगवान राम की एनर्जी, तो सोचिए कितना ज्यादा मिश्रण होगा एनर्जीज का आपकी जिंदगी में जब आप सावन के दूसरे सोमवार में आप व्रत रखेंगे, और जो बहुत ही उत्तम व्रत रहेगा। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है सूर्य और बुध का, यानी इसी दिन जो है सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी मिलेगा। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और मंगल के साथ उसकी युति होगी, यानी उसका कॉम्बिनेशन जो होगा उसका बैठना मंगल के साथ होगा, और खास करके जब हम कहते हैं शिव आराधना की बात करते हैं तो कार्तिकेय की आराधना भी हमें जरूर इस समय करनी चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र का जो नाम है भगवान कार्तिकेय के, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए हम बहुत सारी ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये कितना एनर्जेटिक है सोमवार, और आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह आपको उठना चाहिए, स्नान से आप निर्वत होकर के उसके बाद आपने भगवान की आराधना करनी चाहिए, गंगा जल का अभिषेक इस दिन जरूर करना चाहिए, और आप जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल चढ़ाइए, जो आप पूजा भक्ति में अपना लीन होना चाहते हैं, बहुत सारी सामग्री चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गंगा जल का प्रयोग इस दिन खास उत्तम रहेगा आपके लिए, तो गंगा जल का अभिषेक आपने ज़रूर करना है शिवलिंग पर। बेलपत्र, धतूरा, आक, ये सब तो बेहद प्रिय हैं भगवान भोलेनाथ को, ये तो आप जरूर चढ़ाइएगा, लेकिन गंगा जल और साथ के साथ शक्कर, अगर आप ये 2 चीज़ें चढ़ाते हैं तो भगवान आपकी बात बहुत जल्दी मानते हैं। वैसे भी सरल है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी वीडियो में हमेशा आपसे कहते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बट
आपकी श्रद्धा की, आपकी आस्था की इन्हें जरूर जरूरत होती है। धूप, दीप, आरती, ये सब चीजें आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आराधना जब आप करते हैं वो आपके लिए बहुत उत्तम एक फल देने वाला समय होता है। वही आपकी एनर्जीज जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको उद्यापन करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सावन के 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, वो सावन में ही उसका उद्यापन करते हैं, और ये समय वैसे बहुत अच्छा होता है जब आप उद्यापन कर सकते हैं। पहली बात तो 16 सोमवार के जब आप व्रत रखते हैं तो ज्यादातर लोग होते हैं 16वें सोमवार में उद्यापन कर देते हैं। 16 सोमवार यानी पूरे कंप्लीट करने, 16 व्रत कंप्लीट करने, और उसके बाद 17वें पर ही आपको उद्यापन करना चाहिए। वहां आपकी संख्या जो होती है, वहां आपकी काउंटिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो आपको 17th नंबर में जाकर के ही अपना उद्यापन करना चाहिए 16 सोमवार के व्रत का। दूसरी बात आती है कि करना कब चाहिए। अगर सावन में आप ये उद्यापन कर रहे हैं तो पहली यानी प्रथमा और तीसरा, यानी प्रथमा सोमवार और तृतीय सोमवार, तीसरा सोमवार और पहला सोमवार, यही सोमवार होते हैं जब आप उद्यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत विधि विधान से कीजिएगा, क्योंकि जब भी उद्यापन की बात आती है तो वहाँ एक बहुत ही अलग ज्ञान की भी बात आती है। पूजनीय ब्राह्मण जी से ही आप ये उद्यापन करवाएं। अगर बहुत सरल भाषा से आप करना चाहते हैं तो उसका भी मैं एक छोटा सा तरीका जरूर बताऊंगी, लेकिन अगर आप विद्वान से कराते हैं तो वो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि पूरा विधि विधान जब होता है तो उसका फल ही एक अलग होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये उद्यापन करें तो चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है उनका आह्वान जरूर कीजिए। शिव परिवार का पूरा आह्वान जरूर करना चाहिए, उसमें भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये पूरे परिवार का आह्वान करना चाहिए, और नंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नंदी की पूजा से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपने पूरे शिव परिवार का आह्वान करना है, उन्हें आमंत्रित करना है, और उसके बाद आपने बाकी सारी विधियां करनी। बहुत जल्दी आपको उठना चाहिए सूर्य उदय से बहुत पहले। कहा जाता है कि अगर जिस दिन उद्यापन किया जाए उस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे उत्तम रिजल्ट देता है। वहां अंतरिक्ष से भी कहते हैं ना, आपकी एक एनर्जी से ही अलग मिलती है, आपको सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उसी समय आपका ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, और उसके बाद से आप सारी विधियां करना चाहिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे तो सूर्य उदय से पहले आपको जरूर उठना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अच्छा मंडप और वेदी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जब ये सारी आह्वान किया जाता है तो वहाँ उनके लिए स्थान भी तैयार किया जाता है। तो आह्वान करने के लिए आपको बहुत अच्छा सा मंडप और वेदी तैयार करनी है, चौकी बहुत अच्छे से सजानी है, उसके ऊपर आपने, अगर आप साधारण तरीके से बना रहे हैं तो स्वास्तिक बनाइए, ओम बनाइए, एक सेंटर में स्वास्तिक बना करके ओम बनाइए, और 9 ग्रहों की छोटी छोटी प्रतिमाएं अगर आप बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। अदरवाइज आप कुछ एक निशान मात्र से ही आप उनकी प्रतिमाओं का एक आह्वान कर सकते हैं। परिवार का, शिव परिवार का आह्वान जरूर करना है, ये उसमें बिल्कुल आपने ध्यान रखने हैं। कोई एक भी भगवान की जो प्रतिमा है वो छूटनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक जल का पात्र लेना है, वो अपने पास में रखना है। फूल, फल, नैवेद्य और धूप, दीप, ये सारी चीज़ों का प्रयोग आपने करना है। कलावा ज़रूर आपने रखना है, पंचामृत का आपने प्रयोग ज़रूर करना है, तुलसी के बिना करना है। पंचामृत तो बनाना है लेकिन तुलसी उसमें नहीं डालनी है, तुलसी दल नहीं होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप कंटिन्यू आपको करने चाहिए। कम से कम कहा जाता है कि 5 माला जाप आपको उस दिन ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा आरती करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये विद्वान से करवाते हैं तो पूरा एक विधि और विधान पूरा बताते हैं, इसीलिए वो विद्वान कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पास विधि और विधान दोनों चीज़ें रहती हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। पंचाक्षर का ये मंत्र जो होता है ये बहुत एनर्जी देता है, ये बहुत ही आपको एक अलग ऑरा क्रिएट करेगा, एक शांति देगा, सुकून देगा आपको, और साथ के साथ
जितनी भी सारी चीजें आपने रखी हैं, सामग्री रखी हैं, आप उससे आरती के बाद पूजनीय ब्राह्मण जी को ही देनी है, दक्षिणा जरूर देनी है और साथ के साथ भोजन जरूर करवाना है। दान दक्षिणा और आपको एक क्लॉथ जिसे हम कहते हैं वस्त्र, वो जरूर देना, अंग वस्त्र जरूर होना चाहिए। और दक्षिणा का सबसे ज्यादा महत्व किसी भी पूजा विधान को कंप्लीट करने में दक्षिणा का ही मेन महत्व होता है। हम लोग कई बार क्या होता है ना, दूसरों से सेवा ले लेते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, आप याद कीजिएगा, कभी हमारे पेरेंट्स भेजते थे कि मंदिर से जाइए, ये छोटी सी बात पूछ करके आ जाइए, या पंडित जी से पूछाइए, ग्रहों के बारे में पूछाइए, तो हमारे माता पिता उनको कहते थे कि उनको दक्षिणा देकर के आना, खाली हाथ नहीं। क्योंकि जब भी आप खाली हाथ विद्वान की सेवा लेते हैं तो उसमें दोष उत्पन्न होता है, वो गुरु दोष होता है, और गुरु दोष कभी भी अपनी कुंडली में नहीं बनने देना चाहिए। यानी जितना उनका सम्मान बनता है उतना सम्मान उन्हें जरूर देना चाहिए। और फिर आती है बात कि आपको हवन जरूर करना चाहिए। जब भी आप ये विधि विधान कर देते हैं उसके बाद आपको हवन जरूर करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को हवन में शामिल होना चाहिए। ब्रह्म भोजन के साथ साथ हमने कहा आपको कि ये वस्त्र आपको जरूर देने चाहिए, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और जब आप विदाई करते हैं अपने पूजनीय ब्राह्मण जी की, तो आपको चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। तो इस तरीके से ही आपने उद्यापन करना है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण जी से ही उद्यापन कराते हैं तो बहुत, एक सिर्फ वो भोज के लिए नहीं बुलाएगा उनका, अगर उद्यापन आप उनसे करवाते हैं तो बहुत ही विधि और विधान से आपका उद्यापन जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जब आपने 16 सोमवार व्रत रखे हैं तो उसका उद्यापन भी बहुत ही अच्छे तरीके का होना चाहिए। तो देखा आपने दूसरा सोमवार सावन का कैसे व्रत रखना है और उद्यापन 16 सोमवार रखे हुए व्रत वालों को कैसे करना है। तो ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है उद्यापन करना हो लेकिन वो इंतजार कर रहे हो इस वीडियो का। डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और मेरे जो नंबर्स दिए हुए, अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो पेड सेवा है, अगर आप पूछना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो पर्सनली आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपकी ये पूजा सफल हो। ओम नमः शिवाय। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक नमस्कार।